अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कौमी टाइम्स और मैं हूं आपकी मेज़बान उरफाना मुनीर। आज लाल किले से लेके टिटवाल ब्रिज तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके एक छोटे से सिपाही तक, आज सब जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने का रीज़न, आज 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे कहलाया जाता है, आज के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। जैसा कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ टिटवाल LOC ब्रिज पे, अमन इसे कहा जाता है, अमन का ब्रिज। कल 14 अगस्त को यहाँ पर स्वीट्स एक्सचेंज हुई थी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दौरान। उसी तरह आज 15 अगस्त पे भी यही हुआ, आज फिर से इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के स्वीट्स एक्सचेंज हुई। ये स्वीट्स आज तीसरी बार, चौथी बार, कल को मिला के आज चौथी बार यहाँ पर इस पुल पे जो स्वीट्स जो हैं वो एक्सचेंज हुई। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। इस टाइम हम मौजूद हैं टिटवाल के अंदर। जैसा कि आपको पता है, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा आज सब ही जश्न मना रहे हैं 15 अगस्त का। इसी तरह हम आइए यहीं के कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ क्रॉसिंग ब्रिज में हूँ, नायब सरपंच हूँ। दूसरा, ये जो आज हमारा ये योम आज़ादी का 15 अगस्त जो मनाया, कल पाकिस्तान ने मनाया 14 अगस्त, और आज हमारा 15 अगस्त हमने मनाया। तो अभी पाकिस्तान ने कल हमें मिठाई दी, आज हमने उनको मिठाई दी। ऐसा आगे के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इससे आदमी का जो हालात हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम खुश हुए और हवाम भी, पूरे फौज, मीडिया सब भी खुश हैं सर इस चीज़ में, और शुक्रिया। जैसा कि कल की तरह, कल 14 अगस्त पाकिस्तान का योम आज़ादी था, जिस पे हिंदुस्तान ने उनको मिठाई दी, और उसी तरह आज 15 अगस्त जो कि इंडिया योम आज़ादी के तौर पे मनाता है, आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मिठाई दी। अल्लाह करे इसी तरह ये मिठाइयाँ बढ़ती रहें और अमन शांति बनी रहे। हम सब लोग चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह प्यार मोहब्बत बटे, ना कि दुश्मनी अदावत बटे। तो ये थे हमारे साथ यहीं के कुछ लोग जिन्होंने ये कहा कि इसी तरह ये स्वीट्स जो हैं वो एक्सचेंज होती रहें, और इसी तरह जो खुशी है वो आपस में एक दूसरे जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में इसी तरह बरकरार रहे। कैमरामैन के साथ न्यूज़ रिपोर्टर उरफाना, कौमी टाइम्स।